तो राजकुमार बन जाएगा और बंदरिया राजकुमारी बन जाएगी।
थैंक यू। दोस्तों पानी ये आकाशवाणी सभी ने सुनी, लेकिन कोई नदी में नहीं कूदा। जब कुछ चंद सेकंड शेष बचे थे, एक बकरिया को पता नहीं क्या लगा दोस्तों, और वो नदी में कूद गई। जैसे ही नदी से बाहर निकली दोस्तों, तो वो राजकुमारी बन के निकली, राजकुमारी बन के। दोस्तों ये सारा सीन उस दिन राजकुमार उस जंगल में शिकार करने आया था, वो देख रहा था। उसने अपनी आंखों से बकरिया को राजकुमारी बनते हुए देखा। उससे रहा नहीं गया, उसने बकरिया को अपने पास बुलाया, पूछा कि बदले एक बात बता कि आकाशवाणी सभी ने सुनी, लेकिन कोई नहीं कूदा, तू क्या सोच के कूदी? तो जानना चाहो बदले क्या बोली? Yes. जानना चाहते हो? Yes. बदलिया बोली, राजकुमार जी इस नदी में तो रोजाना कूद कूद के नहाते हम, कुछ नहीं होता, लेकिन आज मैंने विश्वास किया इस आकाशवाणी के ऊपर, और मैंने सोचा किस नदी में कूद के नहाती हूं, नदी में कूद के नहाती हूं, या तो मैं राजकुमारी बन जाऊंगी, नहीं बदल जाता हूं मैं, वो ही बदल जाता हूं मैं। दोस्तों यही बात मेरी यहां पर समझ में आ गई। यहां बताया जाता है कि आपको जीवन में एक बार एक सामान खरीदना है, सामान परचेज करना है, यस या नो? और दोस्तों वही सामान है जिसको बाजार से खरीदते रहते हैं, हमारे दादा ने खरीदा, पिताजी ने खरीदा, और हम भी खरीद रहे हैं, यस या नो? लेकिन उनके साथ आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर यहां से एक सामान लेने से अगर हम राजकुमार बन जाते हैं, तो लेने में क्या दिक्कत है? ये बात मेरी समझ में आ गई दोस्तों, मेरी बात समझ में। और दोस्तों मैंने गुरु से कहा, गुरु जी डन, मेरे काम की शुरुआत करवाइए, मैं इस काम को करना चाहता हूं। और दोस्तों उस कहानी को सुन करके इस बिजनेस की मैंने शुरुआत कर दी। और दोस्तों शुरुआत करने के बाद यहां बताया जाता है कि आपको शुरुआत करने के लिए जब होती है दो लोगों की, यस या नो? यस। होती है नहीं होती? यस। तो मेरे दिमाग में तुरंत एक प्रश्न पैदा हो गया और मेरे सर से कहा कि गुरु जी देखो, आप तो पहलवान आदमी है, पुलिस में नौकरी आपकी, आपको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मैं ठहरा किसान आदमी, मुझे कोई जानता भी नहीं है, अगर मेरे साथ दो लोग नहीं आए तो क्या होगा? प्रश्न किसके दिमाग में आता है? मेरे भी आया था। तो गुरु जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझसे प्रश्न पूछ लिया। जानना चाहते हो क्या पूछा? गुरु जी बोले कि मुझे एक बात बताइए, एक मरा हुआ व्यक्ति कितने बंदों पे जाता है? मैंने जवाब दिया, चार पे जाता है। तो गुरु जी ने बात कही दोस्तों, और वो गुरु जी की बात मेरे सीने में तीर की तरह लग गई। वो बात क्या थी जानना चाहोगे? गुरु जी बोले यो कैसी, जब एक मरा हुआ व्यक्ति एक मुर्दा अपने लिए चार कदम तलाश लेता है, आप तो जिंदा हो, क्या आप जिंदा रहते हुए एक मुर्दे का 50% काम नहीं कर सकते क्या? 50% काम। दोस्तों मैंने उसी और के अंदर कसम खाई, मुट्ठी बांधी, यदि मैं जिंदा हूं तो दो लोग को तलाश कराऊंगा, दो लोग तलाश कराऊंगा। मेरे पूछा कुछ इसके लिए मुझे करना क्या होगा? मेरा कुछ नहीं करना, आपको कोई भारी भरकम काम नहीं करना है। जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पे लाके बता दिया है, इसी प्रकार ये प्रोग्राम हर संडे को होता है। आप भी अपने मिलने वालों को, जानकार को, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनको यहाँ पर लाके बता दीजिए, आपका काम अपने आप होता चला जाएगा दोस्तों, अपने आप होता चला जाएगा। थैंक यू। उसी दिन से मैंने कसम खाई, हर संडे को दो लोग ले जाके बिठाने लगा, दो लोग। दोस्तों मेरे साथ दो लोग भी आ गए, चार लोग भी आ गए, आठ लोग भी आ गए, 16 आ गए, 32 आ गए, 50 आ गए, 100, 200, 500, अरे बात छोड़ो सैकड़ों की, 1000 भी आ गए, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। दोस्तों आज जो सिस्टम के अंदर टीम लेवल होता है, हम सबका सपना होता है डायमंड बनना, दोस्तों आज मैं आप सबके सहयोग से यहाँ पर डायमंड बन के आपके सामने बात कर रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी बिजनेस की, खेत में काम करता था, आप सभी जानते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं तो अपना कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं पहले से, ऐसा लोग करते नहीं करते? सभी करते हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे पास एक नोकिया का पुराना फोन हुआ करता था, 500 रुपए का, उससे मैं अपना काम कराता था। लेकिन जब यहाँ टीम बनती है तो इनकम आती है दोस्तों, इनकम
वो जब इनकम आती है तो अचीवमेंट में आती है, यस या नो? यस। मेरे पास इनकम आए लेकिन दोस्त अचीवमेंट में आए, मैंने यहाँ से चार चार लैपटॉप फोन खरीदे, दो दो लैपटॉप खरीदे, और दोस्तों इस बिजनेस की वजह से आज मैं कार में चलता हूँ, फोर व्हीलर चलता हूँ। एक किसान कभी कार में चलता है क्या? नहीं। दोस्तों आज एक किसान आपके सामने बात कर रहा है सूट बूट पहन करके, अगर मैं विश्वास नहीं करता, बीच में नहीं आता, मैं सूट पहनने का मौका मिल जाता? दोस्तों सूट भी महंगे महंगे 19,000 रुपए की कीमत है सूट की, कितनी? 19,000। अगर मैं सिर्फ किसान होता तो क्या कपड़े पहन पाता? 19,000 में तो पूरी सारे कपड़े आते पूरे परिवार को, आते नहीं आते? दोस्तों इस बिजनेस वजह से मुझे देश के कई सारे शहरों में घूमने का मौका मिला, और दोस्तों मेरे बचपन का सपना हुआ करता था विदेश जाने का, अब यात्रा करने का सपना तो था लेकिन औकात नहीं थी कि मैं लाखों रुपया घूमने पर खर्चा कर सकूं, और जब लाख रुपये खर्च करने की बात आती है ना तो दिमाग में 1,500 प्रश्न पैदा हो जाते हैं, अरे लाख रुपया घूमने पर खर्चा करने के इतने में तो खेत में एक नई बोरी हो जाएगी, मकान बन जाएगा, बच्चों की फीस बढ़ जाएगी, प्रश्न आते हैं यस या नो? यस। लेकिन दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज ग्रेट सिस्टम का और मेरे ग्रेट मेंटर का, दोस्तों इन्होंने मेरी औकात बनाई और मैं आज एक बार नहीं दो दो बार जैसे अध्यक्ष हूं दो बार। और दोस्तों बहुत जल्दी मैं यहाँ से दुबई घूमने जाने वाला हूँ, दुबई। थैंक यू दोस्तों। खेत में दिन रात काम करके हजारों में कमा रहा था, लेकिन सिस्टम की पावर है, सिस्टम की ताकत है, और हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना दोस्तों, हम पैसे के लिए काम करते हैं, यस या नो? यस। दोस्तों मैं हजारों में कमा रहा था, गुरु जी ने एक दिन विश्वास दिलाया था, योगी जी आप विश्वास करिए, 4 साल का तो समय दे दिया, समय मैनेज करिए अपना, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप यहाँ से लाखों में कमाओगे, लाखों में कमाओगे। दोस्तों 4 साल पहले विश्वास दिया था और आज वही विश्वास पूरा हुआ है, मैं सिर्फ लगातार चलता रहा, गुरु जी की बात मानता रहा, दोस्तों आज मैं यहाँ से किसान होते हुए लाखों रुपये देने का दोस्त, लाखों रुपये। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था नौकरी की, उस समय मेरे क्लास फेलो 7 पढ़ने वाले लड़के जॉब में चले गए, मेरे रूम में जो मेरे रूम में 7 रहा करते थे वो जॉब में चले गए, और दोस्तों मेरा जॉब नहीं लगा। मैं कोस रहा था भगवान को कि भगवान मुझसे क्या गलती हो गई, इन सबकी नौकरी लग रही है और मेरी नौकरी लगी। दोस्तों कहते हैं ना, मैंने इस बिजनेस वाली किताब में पढ़ा है कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें, पूरा प्रयास करें उसे पाने का, और फिर भी वो हमें नहीं मिले तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने हमारे लिए उससे भी अच्छी चीज कोई संजोग रखी है, उससे भी अच्छी संजोग करेंगे। दोस्त मेरी बात समझ में आई, और मुझे आज पता चला है कि मेरा सपना था सिर्फ नौकर बनने का, उसके लिए मैं तैयारी की थी, लेकिन मैं नौकर नहीं बनाया, ऊपर वाले ने, उसने मुझे इस धरती पर नौकर बनने के लिए पैदा नहीं किया था, उसने मुझे धरती पर डायमंड बनने के लिए पैदा किया, थैंक यू। दोस्तों समय काफी हो चुका है, बातें बहुत सारी हैं, आगे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। इस बिजनेस में मैं यहां तक पहुंचा उसके लिए मैंने कोई भारी भरकम काम नहीं किया दोस्तों, मैंने सिर्फ गुरु जी की बातें मानी और कुछ छोटे छोटे काम किए। क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? तो ज्यादा नहीं, 4-5 मुख्य रूप से दोस्तों काम है जो बात मानी है, मैं उनको मानता गया और आज मैं यहाँ पर डायमंड बनकर आपके सामने बात कर रहा हूँ। यदि आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको भी 4-5 बातें माननी होंगी, क्या मानने को तैयार है? तैयार है? सभी तैयार हैं? थैंक यू। दोस्तों मैंने पहला काम किया था समय मैनेज करने का, क्योंकि हम जिस काम को करते हैं ना उसमें हमारा पूरा समय निकल जाता है, हम समय कीमत नहीं जानते, समय को अपने जीवन में बहुत वेस्ट करते हैं, हम समय को बेकार निकालते हैं। तो मुझे विदेश में आके पता चला कि आप समय को इन्वेस्ट करिए,
समय को बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, समय को मैनेज करिए। अगर हम 4-5 घंटे 6 घंटे कहीं काम करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास समय बचता है उस समय को आप सिस्टम में दीजिए। दोस्तों ये सिस्टम उस समय के बदले में आपको पैसा देना है, दोस्त पैसा देना है। तो हम जब समय को और कहीं हम वेस्ट करते हैं और उस वेस्ट समय को यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से समय का हमें पैसा मिलता है, समय का पैसा मिलता है। दोस्तों मैंने यही काम किया अपने काम के साथ साथ, जब मैं काम खेत में करता था तो खेत में काम करने के बाद जो मेरा समय होता था उस समय को मैं बिजनेस में देता था। 4-5-6 घंटे रोजाना लगातार मैंने समय बिजनेस को दिया। कभी भी जैसे बताया गया कि आपको ट्रेनिंग में आना तो मैं ट्रेनिंग में आया, संडे के सेमिनार आना तो लगातार सेमिनार में आया, ग्रुप मीटिंग में आना है तो आया, फंक्शन में आना है तो आया। दोस्तों मैंने कोई भी एक्टिविटी कभी भी छोड़ी नहीं, कोई कभी भी नहीं छोड़ी दोस्तों। पहला काम किया समय मैनेज करने का। दोस्तों जब काम की शुरुआत करते हैं तो कभी हमें सफलता मिलती है, कभी सफलता नहीं मिलती, कभी सेल मिलती है, कभी सेल नहीं मिलती, कभी हमारे चेक आते हैं, कभी चेक नहीं आते। हमारा स्वभाव क्या होता है कि जब चेक आते हैं ना तो हम भूल के तन जाते हैं, एकदम लगातार हमारे चेक आ रहे हैं, खुशी के हमारे पूरे समाते ऐलान कर देते हैं, लेकिन जब हमारे चेक नहीं आते तो हमारी जान तक जाती रहेगी, हमारा चेहरा कट जाता है, हवा निकल जाती है हमारी। लेकिन दोस्त हमें उस समय पर हमें पॉजिटिव रहना है और जवाबदारी दिखानी है, विश्वास करना है अपने ऊपर और अपने परमात्मा के ऊपर कि मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है तो एक दिन मैं जरूर सफल होके दिखाऊंगा, जरूर सफल होके दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव समझा, पॉजिटिव रखा अपने आप को, कभी भी दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आने देंगे, हमेशा पॉजिटिव रहा। क्या आप रह पाएंगे? रहने को तैयार है? क्या समय मैनेज कर पाएंगे? थैंक यू दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा जिस लेवल पर मैं पहुंचा उस लेवल पर जो मेरे हिस्से का काम था वो मैंने किया। जब मैं ब्रॉन्ज बना था तो मैंने 2000 प्लान लगाए क्योंकि मैं प्लान जरा सीख गया था, और फ्रेशर लेवल पर दोस्तों मैंने यहां से टारगेट किया था फाइनल का फ्रेशर लेवल। दोस्तों वहां पर बताया गया था कि 3 महीने का टारगेट है और आपको 180 शेयर निकालनी है, 180 शेयर। दोस्तों धुआंधार काम किया और मैं यहाँ से पहली बार अपने समय पर थाईलैंड भेजता हूँ दोस्तों, सिर्फ क्या किया मैंने, धुआंधार क्या किया, प्रांत दिखाए। और जिस लिए मैं पहुंचा, सिल्वर पहुंचा, तो मुझे गुरु ने बताया कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, मीटिंग करनी है, तो मैंने मीटिंग लेना शुरू किया, ग्रुप मीटिंग लेना शुरू किया, कोचिंग देना शुरू किया। जिस लेवल में पहुंचा उस लेवल की दोस्तों मेरी जिम्मेदारी ली और लगातार मैं इसको समझता गया, सीखता गया, लगातार सीखने में बना रहा, अपने लोगों की बात मानता रहा। दोस्तों ये 4-5 काम मैंने किए और मैं आज आपके सामने डायमंड बन चुका दोस्त। तो ये 4-5 काम क्या बहुत कठिन है? क्या बहुत कठिन है? कोई भी कर सकता है? थैंक यू। हम जब बिजनेस में आते हैं ना तो इस बिजनेस के बारे में हम कोई ये भी नहीं जानते, इसकी जानते हैं क्या? नहीं जानते। लेकिन हम इसको करते करते सीखते हैं, करते करते जब ट्रेनिंग में आएंगे, फंक्शन में आएंगे, ग्रुप मीटिंग में आएंगे, संडे के सेमिनार में आएंगे, शुक्रवार को ट्रेनिंग में आएंगे, हम इसको करते भी जाते हैं और सीखते भी जाते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम पहले सीख के तब करेंगे तो इसको हम नहीं कर सकते। या पर हम ये सोचें कि हमारे पास पैसा आएगा जब हम इसको करना शुरू करेंगे, कभी नहीं आएगा। इसको सीखते सीखते हमें करना है और 4 साल में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और आप यहाँ से 4 साल में क्या बन जाएंगे? डायमंड। 4 साल तो तैयार है बनने के लिए? तैयार है? सिर्फ 4-5 काम करने को तैयार है? कितने लोग तैयार है? सभी तैयार है करने के लिए। वेरी गुड दोस्तों, आप ये 4-5 काम करने चले गए तो पक्का आपसे वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 4 साल के बाद आप भी यहाँ पर मंच पर डायमंड लेके पूछ रहे होंगे दोस्त, डायमंड लेके पूछ रहे होंगे आप, डायमंड लेके पूछ रहे होंगे।
देते हैं, विराम देते हैं और आप सभी मेरे साथ कहते हैं जैसा हम बोलते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। दोस्त ये प्रकृति वैसा ही हमारे साथ करती है जो हम सोचते हैं और जो हम मुंह से बोलते हैं। तो हम क्या बनना चाहते हैं, सभी बनना चाहते हैं ना? तो हमारे साथ दमदारी से जोर से खड़े होकर अपनी जगह से तीन बार बोलेंगे। और अब क्या चल रहा है, टारगेट क्या करा हुआ है, टारगेट। दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है गोल्डन चार्जर टाइट जीतने का। कंपनी के पूरे कैरियर में 22 साल के दोस्तों पहली बार 4 महीने का टाइट आया है, पहली बार 4 महीने का, पहली बार। थैंक यू दोस्तों, कंपनी हमारी पूरा सपोर्ट कर रही है, हमारे मेंटर हमारे ग्रेट गुरु हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। और अब बारी है हमारी, बारी हमारी है, बारी हमारी है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं देश जाने के लिए? सभी तैयार हैं दोस्तों? मेरे साथ तीन बार बोलेंगे आई एम।